ए पंचाली कह दे दुशासन, आज ये दुशासन तुझे दरबारों के बीच में लेने के लिए आया है। किस लिए लेने के लिए आया है? इसलिए लेने के लिए आया है कि तूने हमारे बड़े भाई दुर्योधन को इंद्रप्रस्थ के महल में अंधे का अंधा कहा था, उस बात का बदला लेने के लिए आज तुझे सभा के अंदर नृत्य करना होगा। तो मैंने कौन सा गलत कही थी? अंधे इंसान को तो अंधा ही कहा जाएगा। पांचाली, हाँ, जबान को लगाम दे, तू जानती नहीं, वो तो अंधा है ही है, उसके साथ ही तू भी पागल है दिमाग ते। अच्छा, हाँ, ये तो आज वक्त बताएगा कि कौन पागल है और कौन सही है। तुझे लिहाज नहीं आई अपने जेठ को अंधे का अंधा कहते हुए? जेठ का दर्जा पिता का दर्जा हुआ करता है, लेकिन आज तुझको सभा में ले जा करके जो हमारे पिता में भीष्म द्रोणाचार्य जिन्होंने बहुत दिन से मनोरंजन नहीं किया है, आज उनके बीच में सभा के बीच में तुझे नृत्य प्रस्तुत करना है। तेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जो कि द्रौपदी ने अपने साथ ले जा सके। या तो राजी से चल, नहीं तो वरना गैर राजी भी ले जाने जानता हूं। अच्छा, हाँ, ले जाकर दिखा। ले जा करके तो मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन पहले तुझे राजी से समझा रहा हूँ। मैं राजी तो ना समझू, तू गैर राजी तो समझा कर देख ले। गैर राजी तो तुझे एक मिनट में मैं समझा सकता हूँ, मेरी बात सुन ले। सुना दे अपनी बात। पांचाली सुना, आज जो तेरा जाड़ा लग रहा है तुझे, तूने हाथ जैकेट में दे रखे हैं। मुझे कोई जाड़ा नहीं लग रहा है। आज तेरे जाड़े को दूर कर दिया जाएगा। हाँ। सुना अपनी बात, तेरी बात सुन ले। तार नहीं, तुझे लेके जाऊंगा आज, या तो राजी से चल वरना गैर राजी भी ले जाऊंगा। सुना पहला, ये द्रौपद चाल मेरे संग में, अरे द्रौपद चाल मेरे संग में, अंधे का अंधा याद करे। छोटी सी उस अंधे के अंधे ने जाकर कह दिए, तो कहते पंचाली सुन मेरी बात, मैं सभा में जाने लायक ना मेरी हलकारा मत जाने तू, मन हल
कि तेरे तुसा सने मंदरिया कड़िया नादर करे सब में जाने लायक ना मरी क्यों इस बर्बाद करे हमारी अनाथ तो तुझे दिखाई दे रही है लेकिन तूने अपनी खता नहीं बताई कि तूने क्या कहा था उस छज्जे के ऊपर चढ़ करके। तुझे यह मालूम नहीं था कि जिसमें तू बसी हुई थी वो भी इस दुशासन के भाई दुर्योधन की ही तुझे देन थी। पर तू ये भूल गया है कि जिस महल के अंदर तुम खड़े हो वो महल किसका है। वो महल जहां तक भी तेरी नजर जाती है ये सारा राजपाट सारा कुछ हमारा है। पांडवों को हमने जुए के अंदर हरा दिया है। तेरे कहने से तुम्हारा नहीं हो जाएगा। मेरे कहने से नहीं पासों के द्वारा हमारा हो चुका है पांचाली। अच्छा। और ये राजपाट ही नहीं वो पांडव ही नहीं हमने तुझे भी जुए में जीता है। ज्यादा बड़बड़ के मत बोल नहीं तो तेरा मोर बना देंगे। बोलने का समय तो अब कौरवों को आया है पांडवों का जा चुका है। अच्छा हाँ। सुना अपनी बात सुन। ओ मारी अनाथ बतावे से तने अपनी खता बताई नहीं। मेरे जितनी और किसे में देवर मिले समाई नहीं। मेरे जैसी और किसे में देवर मिले समाई नहीं। मारे कुल में तेरे सजादा मारे कुल में तेरे सजादा और बद जात लुगाई नहीं। देखा दे तो बोले मतन्या खाती तेरी कमाई नहीं। देखा दे तो बोले मतन्या खाती तेरी कमाई नहीं। तेरा नंगा नाच देखने को तेरा नंगा नाच देखने को ना तेरा नंगा नाच देखने को दुर्योधन पर महत करे नहीं किसे में जोर हिमाती हैं, उन हिमातियों को भी बुला लेना। मेरे जितने हिमाती नहीं है मेरा एक ही हिमाती है बस। पता है कौन? उस एक को नहीं उन अनेकों को भी लिया जो तेरी हिमात में बोलेंगे। अच्छा? क्योंकि पांडव तो बोलने वाले हैं नहीं। पांडव तो हमारे दास बने बैठे हैं उनको तो हमने जुए में जीत लिया है। अभी तो तुम बोलते रहो वो तो टाइम बताएगा कि कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा। बोलना नहीं तोलना और बोलना दोनों हमारा। अच्छा हाँ सुना हिमाती न देखेंगे तन नंगा नाच नचावेंगे। नचाने वाले हो जब खुद भगवान बचावेंगे। कौन बचाने वाले हो जब खुद भगवान बचावेंगे। आज सभा में नंगा करके आज सभा में नंगा करके कैरो खुशी मनावेंगे। सृष्टि के रचने वाले जने के खेल खिलावेंगे। सृष्टि के रचने वाले
तेरे जैसे मुजरिम पे बता, तेरे जैसे मुजरिम पे बता, तेरे जैसे मुजरिम पे बता, कौन दया जल्लाद करे, कौन दया करने वाले इस मुर्सम की मदद करे। समझ जा, अब भी समय है, राजी राजी से चली चल। मैं नुकरी हूँ, तेरे पास भी समय है, अब भी समझ जा। क्योंकि मुझको आदेश हो गया है अपने भाई की तरफ से कि या तो राजी से आएगी और जो गैर राजी से नहीं आए तो गैर राजी बेशक से तुझे केस पकड़ करके घसीटते हुए यहाँ तक लाना हो, लेकिन पांचाली को जरा दरबार में लेकर गया। मुझे तेरे ऊपर हंसी आवे है क्योंकि अभी तक तो तेरे से कुछ हुआ नहीं है, फिर भी तेरी आवाज अटकन लग गई है बीच में। मेरी बात सुन ले। हाँ। अभी तो तुझे हंसी आ रही है लेकिन थोड़ी देर के बाद रुआस भी आएगी। अच्छा, और वो तो टाइम बतावेगा। वक्त की वक्त से क्या शिकायत करे, वक्त भी हमारा है और टाइम भी हमारा है। अच्छा। हाँ। इतने बड़े बड़े बोल मत बोले, इंग्लिश के दोनों वर्ड। तुझे पता है छोटी सी कहावत है कि जो ज्यादा आसमान पे थूकता ना वो नीचे गिरता है। ना 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 ना, ना। तो आसमान पे थूकने की तो जरूरत तेने की है पांचाली। अच्छा, अपने जो जेठ के लिए भी अंधे का अंधा कह रही थी। ओहो। हाँ। पर तू शायद अपने कानून भूल गया कि बड़ी भाभी से किस तरीके से बात करते हैं। कानून की पुस्तक तो बंद हो चुकी है। हाँ। कानून भी हमारा रहेगा, वो तो टाइम बतावेगा। कानून हमारा चलेगा पांचाली, तेरा नहीं चलने वाला। तेरे ये जो हाथ अंदर है ये बाहर निकाल दिए जाएंगे। ये तो मेरा स्टाइल है। स्टाइल तो तेरा है। हाँ। लेकिन हो सकता है सर्दी की चपेट में ज्यादा आ गई हो। हाँ, वो दूर कर दी जाएगी। अच्छा। हाँ। सुना अपनी बात। ऐसे ही तो ठुमके लगाएंगे, ठुमका लगाने का समय तो हमारा ही है। हाँ तो, और तुझ पे भी लगवाएंगे। मेरी जगह तुम सारे सारे के सारे ठुमके लगाओगे। मैं तुझे बता रहा हूँ कि ऐसे नाच दे। अच्छा। पिछले जन्म में वो था के? पिछले जन्म में तो पता नहीं मैं क्या था, लेकिन इस जन्म में जरा थोड़ा सा डांस प्रस्तुत कर दे। अच्छा। हाँ। हम तेरी मानूंगी। ए पेड़ दूसरा है, पेड़ दूसरा लग ही जमावन, पहला बोया काट्या ना। साफ कहन में प्यारे देवरे कदे भी दिल डाट्या ना। साफ कहन में प्यारे देवरे कदे भी दिल डाट्या ना। है हमने गैरव कौन कहे, हमने गैरव कौन कहे, जो तने थूक के चाट्या ना। ईश्वर की माया का देवर पैर किसे ने पाट्या ना। ईश्वर की माया का देवर पैर किसे ने पाट्या ना। पहला बोया काट्या ना रे, पहला बोया काट्या ना रे, पहला बोया काट्या ना, मत ताजा खड़ा फिसाद करे। सिंह के भजनों की